उत्तरा विद्युत विभाग पर करोड़ों रुपए का गबन करने का आरोप लगाते हुए जब एक पीड़ित उपभोक्ता ने आत्मदाह करने का प्रयास किया तो शासन प्रशासन में खलबली मच गई और उन्होंने पीड़ित को समझा बुझाकर दो दिन में मामले की जांच कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। असल में मामला बड़ा दिलचस्प है, जिसमें पीड़ित का आरोप है कि उपभोक्ताओं द्वारा जो विद्युत बिल नकदी के रूप में जमा किए गए हैं, उसे विद्युत कर्मियों द्वारा अपने खातों में डाल उसके एवज में अपने ही खाते के चेक विभाग में लगा दिए गए हैं। शिकायतकर्ता उपभोक्ता की माने तो उक्त चेक बैंक तक ही नहीं पहुँचे हैं, बावजूद उसके विभाग द्वारा उन्हें पास कर लिया गया है। ऐसा ही खेल उपभोक्ता के साथ हुआ। थाना हाईवे क्षेत्र की कॉलोनी हंसराज नगर का रहने वाला हरिप्रसाद शर्मा ने अपना एक कनेक्शन कराया था, जिसमें उन्होंने 80,000 रुपए की नकदी विभाग को दी थी। हालांकि विभाग ने उन्हें 80,000 की रसीद भी दी थी, लेकिन विभाग के कर्मचारियों ने मिलीभगत कर 80,000 की नकदी न जमा कर अपने खुद के खाते का चेक उनके एवज में विभाग में लगा दिया और न तो वह चेक बैंक तक पहुँचा और न ही उसका भुगतान उपभोक्ता के हक में विद्युत विभाग को ही हो पाया। जब उपभोक्ता ने इसकी शिकायत की तो उसकी जांच के लिए एक टीम भी गठित कर दी गई, लेकिन अब उपभोक्ता का आरोप है कि उक्त जांच टीम में सम्मिलित सभी कर्मचारी अधिकारी स्वयं भ्रष्ट हैं। ऐसे में आगरा अथवा लखनऊ की टीम द्वारा मामले की जांच होनी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आइए क्या है सारा मामला, जानते हैं खुद पीड़ित उपभोक्ता की जुबानी। मैंने जनवरी फरवरी मार्च इसमें लाखों रुपए लोगों के मैंने जनता के बिल जमा करवाए थे, करोड़ों रुपए का। इसमें 3.5 करोड़ रुपए का घोटाला मिला है। इसमें विक्रांत जैन, मुकेश बाबू और भी बाबू हैं और इसमें ऑपरेटर सम्मिलित हैं। कैश दिया हुआ है और चेक के द्वारा इन्होंने पेमेंट दिए। एक साल से बिल घट घट के आ रहा है और अभी तक ये सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं। ये अधिशासी अभियंता हैं, ये बड़े ऊंचे कलाकार हैं, इनकी भी जांच जो है बैठाई जाए। अब ये कह रहे हैं कमेटी हमने जो है बैठा दी है कमेटी, और ऐसे भ्रष्टाचारियों की बैठी है कि मथुरा से मैं खुश नहीं हूँ। या तो आगरा की होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में लखनऊ की होनी चाहिए। यदि ये किसी तरह से वहाँ की टीम नहीं आती है तो मैं फिर जो मैंने ये कहा है वो आत्महत्या करने वाला काम फिर मैं दोबारा से करने के लिए तैयार हूँ। उन्हें मुझे 2 दिन का टाइम मांगा था, मैं 2 दिन दे चुका हूँ इनको, किसी कारण से 10 दिन और दे रहा हूँ मैं इनको एक्स्ट्रा के लिए। मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ, मेरे उपभोक्ताओं का समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो मेरी ये प्रतिज्ञा है 20 तारीख को मुझे जो करना है उसकी पूर्ण जिम्मेदारी विद्युत विभाग की होगी, आला अधिकारियों की होगी, बाबुओं की होगी और ऑपरेटरों की होगी। साहब से निवेदन है कि कृपया करके मेरे बिल वालों की समस्या समाधान करें और ऑपरेटरों की, जो अन्य ऑपरेटर भी हैं, उनकी FIR दर्ज करें। मेरी ये समस्या है।